हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज तासु का बर्थडे है, तो वैसे तो मना नहीं रहे हैं कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बुलाया हो किसी को, बस उसका एक दोस्त है आरव, और कुकू, दो ही लोग हो जाएंगे। तो बोला मम्मी उनको बुला लेता हूँ। उन्होंने कहा बुला लो, क्योंकि घर जाना है और फ्लैट में भी कोई छोटे बच्चे नहीं, जिनके सब बड़े हो गए हैं, तो बुलाओ तो कोई आता नहीं, बड़े बच्चे आते नहीं बर्थडे में। तो कुकू और आरव है उसका बेस्ट फ्रेंड, तो वो आ जाएंगे। तो चूंकि वो दोनों आएंगे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद होता है। तो वो कह रहा था ढोकला बना दो मम्मी, तो मैंने सूजी वूजी भिगाई हुई थी, तो मैं उसके लिए ढोकला बना दूंगी। केक वगैरह मार्केट से आ जाएगा, और देखती हूँ उसके साथ में क्या बना सकती हूँ, तो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं यही सब ज्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। और वैसे तो मना भी लेते चाहे, लेकिन उनको घर निकलना है, तो मैंने बोला कि टाइम दे दो, 6:30 तक आ जाए जिसको आना है, अपना तेरे दोनों दोस्त, क्योंकि फिर इसके बाद 7-8 बजे तक घर निकलना है। आज उसके पापा को और उसको, दोनों लोग घर जाएंगे, तो फिर जल्दी पड़ जाती है। तो इसलिए तो दोस्तों, आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, और अब मैं बनाती हूँ उनका, देखती हूँ सूजी भिगाई थी तो कैसी है, और आपको भी दिखाती हूँ। माय न्यू व्लॉग गाइस, आज मेरा बर्थडे है। यस गाइस, आज मेरा बर्थडे है। और गाइस, आज होगी बर्थडे की पार्टी, और आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बर्थडे पार्टी के लिए। वैसे अभी मैं खेल के आया था, खाना वाना बन चुका है, तो अभी हम खाना खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये मैंने जो ढोकले के लिए बैटर बनाया हुआ है, तो भिगा दिया था मैंने, दोपहर में भिगा दिया था, जिससे कि अच्छे से सूजी फूल जाए, क्योंकि सूजी को अच्छा फूलना ज़रूरी होता है। तो बस रेडी हो गया है, बस इसको थोड़ी सी मैं फिटाई कर दूँगी बनाने से पहले। और ये मैं बनाऊँगी कुकर में, तो ये मैं स्टैंड रख दूँगी, और इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। और इसमें मैं इनको साफ़ कर लूँगी, एक बार पोंछ लूँगी, कपड़े से वैसे तो साफ़ है, पर पोंछ के फिर इनमें मैं लगा दूँगी नीचे तेल, और तेल लगाने के बाद फिर इन्हीं में बैटर भर के कुकर में रख दूँगी, तो मेरे ढोकले बन जाएंगे। और ढोकले ना तासु की फरमाइश होती है, उसको अपने हर बर्थडे में ढोकले चाहिए होते हैं, उसे बहुत पसंद है। तो अब बैटर में मैं डाल दूंगी इनो, और इनो को ना बनाते समय डालते हैं, नहीं तो फिर इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो डाल के फिर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें बैटर में, और भर दूंगी डिब्बों में, और इसके बाद जला देंगे तो पक जाएंगे। तब तक मैं कुकर जला देती हूँ गैस कुकर की, क्योंकि कुकर तब तक गर्म हो जाएगा हल्का। और अब मैं इसमें मिला लेती हूँ इनो, और अब मैं डिब्बों में लगा दूंगी तेल आसपास, जिससे कि अच्छे से निकलते, बहुत अच्छे हैं एकदम चिकने चिकने से।
और जितने मोटे पतले आपको बनाने हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। तो मुझे मोटे मोटे पसंद होते हैं, जो थोड़ा पीस मोटा रहे ना, तो मैंने काफ़ी काफ़ी डाला हुआ है बैटर। तो मैंने डाल दिया सारा, अब मैं इनको कुकर में रख दूंगी। तब तक मेरा कुकर भी गर्म हो गया है। और इन सब के ना मेरे पास प्रॉपर बर्तन नहीं है दोस्तों, तो जो भी मैं बनाती हूँ तो मैं से जुगाड़ करके बन जाती हूँ, और बनता वैसा ही है। फालतू में खरीदो, संभालो, रखो, तो इससे अच्छा है कि जुगाड़ वाला काम चल जाता है। तो ये मैंने अच्छे से रख दिया, और ऊपर मैं इसमें ढक दूंगी प्लेट, और फिर कुकर को बंद कर दूंगी। बस 15-20 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे और अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और इसकी मैंने सीटी नहीं लगाती इसमें, ये तो आप सब जानते ही हो, तो ये नहीं लगाऊंगी। अब बस मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूंगी। थोड़ा ऊंचा हो रहा है इसलिए बंद होने में दिक्कत हो रही है, बट ये बंद हो गया। अब मेरा कुकर मैंने बंद कर दिया, 15-20 मिनट में ये पक जाएंगे अच्छे से, अपना पकते रहेंगे। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर दोस्तों, ये लेती हूँ। चार आलू मैं धो के इनको काट लूंगी और इनके ना फ्रेंच फ्राई बना दूंगी, क्योंकि फ्रेंच फ्राई पानी को पसंद है और बच्चे भी खाते हैं। तो मैं इनको धुल लेती हूँ और छील काट लेती हूँ। तो ढोकले हो जाएंगे, फ्रेंच फ्राइज हो जाएगी, केक हो जाएगा, और शायद मोमोज कह रहे थे बच्चे, मोमोज मंगाए हैं तो हमको यही सब चाहिए, बोले यही खाएंगे। खाना हम खाएंगे नहीं, चलो मम्मी बस इतनी ही मेरा पेट भर जाएगा, और फिर मैं मुझे तो घर ही जाना है। तो मैं आलू छील ले रही हूँ, और इसके बाद इनको भी काट लेंगे पीस में, और फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी। फ्रेंच फ्राइज तानी बोली मम्मी फ्रेंच फ्राइज बना दो, तासु ने बोले ढोकले बना दो, और केक वगैरह पापा इसके ले आएंगे। और बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, वैसे कुछ दो तो शायद ना खाएं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें ना कि सब बच्चे खा लेते हैं। तो अब मैं इनको काट ले रही हूँ आलू, और फ्रेंच फ्राइज के लिए ना बड़ी आलू ही सही रहती हैं, जिससे कि बड़े बड़े पीस होते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अब मैंने इनको भगोने में रख दिया, तो मैं इनको हल्का सा, मतलब बहुत हल्का सा बॉयल कर लूँगी, बिल्कुल मतलब कि बस एक तरह से खोल जाएं, ज़्यादा नहीं गलें, नहीं तो फिर टूट जाएंगे। तो मैं इनको जला दिया, मैं इनको ढक दूँगी। और ये जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बॉयल कर लिया आलू। और ये सुनील आ गए सामान लेके, केक वगैरह, और ये देखो दोस्तों मेरे ढोकले बहुत मतलब अच्छे बने हैं, स्पंजी देख के लग रहा है कितने ज़्यादा फूल गए हैं। और ये ताशु की केक, टॉफ़ी, रसबेरी, बिस्किट,
बताओ सो कह रहा मम्मी टॉफ़ी दे दो जो बच्चे नीचे उसके साथ खेलते हैं। तो बोला मैं दे आऊँ, अभी नीचे हैं बच्चे। तो भाई मैंने कहा ठीक है दे आओ। बच्चों को देने का मन भी करता है और भी फिर ये भी सोचते मेरे लिए बचेगा कि नहीं है। ये पानी भरे मम्मी केक खोल के मैं देख लूँ। इसके ऊपर का अनार इतना तो प्यार डालने केक लगे हैं। मेरे के लिए खोला है उसने। तासु का घर का नाम उत्पल है तो उसमें उत्पल ही लिखा हुआ है। और ये देखो दोस्तों दो ढोकले मैंने काट लिए हैं पीस के पीस और निकाल भी लिए, बहुत ज़्यादा स्पंजी बने हैं। और ये कॉर्न फ्लोर तो इसे मैं आलू में अब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इनको अच्छे से ताकि आटा अच्छे से इनमें लग जाए पूरी आलू में, और फिर इनको फ्राई करो ना तो बहुत अच्छा करारापन रहता है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इनमें। रेडी हो गए फासु? दोस्तों के ढोकले बन गए और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तो उसमें मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लूँगी, फिर उसी में मैं ढोकले फ्राई कर दूँगी। तो हम फ्राई वाले खाते हैं, हमारे यहाँ तो गीले वाले नहीं खाते मीठे वाले, तो फ्राई वाले में बना देंगे। आपको भी दिखाती हूँ। कढ़ाई मैंने डाल लिया तेल, तो पहले मैं इसी में फ्रेंच फ्राइज कर लूँगी अच्छे से, आलू फ्राई कर लूँगी इनको, और इसके बाद उसी में मैं फिर अपने ढोकले फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ मीठे वाले कोई नहीं खाता, सब नमकीन ही खाते हैं फ्राई करके, तो मैं फ्राई करूँगी। और बच्चों की वजह से बनाए तो मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला इनमें, और ऐसे सिंपल भी फ्राई करूँगी, कुछ डालूँगी भी नहीं, क्योंकि ज़रा सा कड़ुआ वगैरह हो जाता है तो रेडी होके आ गए। शाम को काला चश्मा लगा रखा है, इतना काले चश्मे का शौक है कि मतलब अच्छा लगे ना लगे लेकिन काला चश्मा लगाना ही लगाना है, ना दिन में सही तो अपना शाम को ही लगा लो। लगा रखा है काला चश्मा। और बच्चे ना अपने बर्थडे बर्थडे पे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश रहते हैं मतलब। और ये तासु की फेवरेट ड्रेस है, उसको आर्मी वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जिनमें आर्मी वाली प्रिंट होती है ना। और ये लाइट ऑन ऑफ करके पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा था अकेले ही। ये मैं अब इनको फ्राई कर ले रही हूँ, और मेरे ढोकले भी फ्राई हो गए हैं और मेरे फ्रेंच फ्राइज़ भी बन गए हैं।
अब बस तासु के दोस्तों के आने का इंतजार है, वो लोग आ जाए तो बस केक कट करके। तो ये आ गए हैं, तो कुकू, आरव और उसका फ्रेंड दिव्यांश और दिव्यांश की बहन लीजा, चार ही लोग हैं। खेल रहे थे तो शायद पता नहीं कोई टॉय नीचे चला गया लगता है, तो उसी को निकालने में लगे हैं बच्चे लेट लेट के। कैसे सारे खिलौने फैला रखे हैं। और अब केक कटने की तैयारी हो रही है तो तासु कह रहा है मैं कैंडल जलाऊंगा मम्मी अपने आप। तो देखो जला पाते हैं कि नहीं जला पाते, तीली तो जल गई। तब तानी आई है जलाने। तो तासु वैसे तो 9 साल के हो जाएंगे पूरे, पर क्योंकि कंडी जला के बुझवाते नहीं तो एक ही जलाते हैं और उसको फिर हम निकाल के भगवान जी के मंदिर पे रख देते हैं। तो ये पहले केक काटने से पहले मैं इनको टीका लगा दे रही हूँ सब बच्चों को। उसको फू नहीं करना, उसको मैं मंदिर में। तो फिर दो कैंडल लगाती हूँ मम्मी। दो कैंडल फू नहीं करना होगा। कितने साल का होगा? नौ। नाइन इयर्स। निकाल ले रही हूँ अभी, प्लेट में रख दूंगी फिर मैं इसको मंदिर में रख दूंगी। उल्टा पकड़ा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे तासु से वेट नहीं हो रहा। और ये चॉकलेट जो लगी होती है ना तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो वही मैंने सोचा तोड़ के सबों को दे दूं ना, ऐसे किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। और अब मैंने केक दे दी सारे बच्चों को, तो सब निखा ली। तासु अभी भी खा रहे हैं। कुकु कितना खुश है, छोटे बच्चों को बहुत खुशी होती है। और अब शुरू हो गई बच्चों की मस्ती, तो डांस कर रहे हैं और पेपर फाड़ फाड़ के नोट उड़ा रहे हैं। यार ये भी 8 साल का हो गया लेकिन इतना हल्का है ना कि बहुत ज्यादा हल्का है। तो इसमें कुक्कू हो गई गढ़वाली, आरव हो गए बिहारी, और ये दिव्यांश और उसकी सिस्टर लीजा ये हो गए हरियाणवी, और हम हो गए यूपी वाले। तो 4 स्टेट वाले बच्चे हैं बर्थडे मनाने में। तो अब मैंने दे दिया था बच्चों को खाने के लिए ढोकला और फ्रेंच फ्राइज, ताकि खाते भी जाएं थोड़ा मस्ती भी करते जाएं। और वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि
लोगों को निकलना है तासु को, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 6:30 आ जाएंगे, तो 7-7:30 बजे तक अपने 1 घंटे में इंजॉय कर लेंगे। और दुपट्टा लेके आए गाना गाने डांस करने के लिए, चुन्नी में के लिए। और ये अब मैं इनको रसबेरी और ये बिस्किट वगैरह और दे देती हूँ बच्चों को। उसको कंधे में उठाने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों तो एक ही क्लास में है, दिव्यांश और तासु 3rd में और आरव 2nd में, तो आरव हल्का है, तासु भारी है, उसको नहीं उठा पा रहा था। कमरे की हालत, पेपर फाड़ फाड़ के कमरे में पेपर ही पेपर दिख रहा है। और अब बच्चे जा चुके हैं और सुनील और तासु दोनों लोग रेडी हो गए हैं अब घर जाने के लिए। और कुक्कू तो हमारी फैमिली मेंबर हैं, उनका तो जब मन करेगा वो तभी जाएंगी। और ये तासु घर जा रहे हैं तो मैं थोड़े इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, क्योंकि उसे दे के ही भेजना पड़ता है, याद रखे ना रखे लेकिन बोलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखता है थोड़ा सा। हो गया है, क्या चिपका रखा है? पर पायल में अंडा यू आई लव यू। हाँ तो कुछ तो फाइनली हो गया बर्थडे तासु का, और तासु और पापा चले गए घर, और बच्चे हम तानी और कुक्कू, ये कुक्कू हैं और तानी, बस हम ही 3 लोग बचे हैं, बाकी सब लोग बच्चे भी चले गए। और जैसा भी था, थोड़ा ब्लॉग बनाना तो नहीं था, मतलब मनाना नहीं था बर्थडे, बट ये कि उसके 2-4 दोस्त आ गए तो हो गया थोड़ा। और वो बर्थडे के चक्कर में वो कह रहा था कि मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिमाग रखा था गिफ्ट में कि मैं गिफ्ट खोलूँ तो ये था लौट के आके खोलना, तो कह रहा है पापा मेरे जाने का मन नहीं हो रहा सिर्फ गिफ्ट खोलने की वजह से। पर ये था कि अब चले जाओ, उसकी पैकिंग हो चुकी थी, सब कुछ था, लौट के खोल लेना के, तो चले गए। तो दोस्तों अब यहीं पे मैं अपने इस ब्लॉग को करूंगी बंद, और आप सभी को बोलूंगी बाय, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।